ऐसे ऐसे पहलवान इकट्ठे हुए कि पूरे भारत के पहलवानों को चैलेंज करना तो दूर रहा, लेकिन एशिया के 51 देशों के पहलवानों को ललकारने वाले पहलवान खाली संकेत मात्र से 50 पहलवान आ गए बैठे हैं। रोहिण भाई स्वागत करते हैं बापूजी का। हाँ चलो बापू का स्वागत कर रहे हैं। ओम जय प्रवीण जी, विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री डॉक्टर प्रवीण भाई चौधरी, पूज्य बापू जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। आशीर्वचन के रूप में पूज्य बापू जी ने उनको भी माला पहना कर आशीर्वाद प्रदान किया है। चलो कुंभ मेलो जी, कुंभ मेला पब्लिक वहाँ तो कुंभ ही है। बापू जा, हाँ जहाँ बापू है वहाँ कुंभ ही है। दो आपो जहाँ बापू है वहाँ कुंभ है, और बापू भारत में जहाँ जाते हैं वहाँ मानव समुदाय का कुंभ ही लगता है। यह देश में कुंभ से बड़ा श्रद्धा का कोई दृश्य नहीं दिखाई देता है। जहां कोई व्यवस्था नहीं, अपेक्षा नहीं, वहां 12 करोड़ हिंदू आज देश के कोने कोने में मां गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने के लिए आ रहा है। हम मां गंगा यमुना सरस्वती को प्रार्थना करें कि यह देश में कोई हिंदू भूखा न रहे, कोई हिंदू बेरोजगार न रहे, कोई हिंदू शिक्षा विहीन न रहे और कोई हिंदू असुरक्षित न रहे। मैं बापू से कोई हिंदू बिना सत्संग के न रहे और कोई हिंदू बिना सत्संग का न रहे। बस हो गया, चलो मैं बापू को प्रार्थना करता हूँ कि हिंदू समाज को बापू आशीर्वाद दे। चमके चमके, अब सुनेंगे राग पहाड़ी। कोई हिंदू बिना सत्संगी के नहीं रहे। ये पहलवान देखो कैसे दौड़े दौड़े आए, सभी चाहे अखाड़े में हो चाहे विश्व हिंदू परिषद के सत्संग में हो प्रवचन में हो, लेकिन सत्संग से चार चांद लग जाते हैं। हिंदुत्व सत्संग से ही चमकता है, प्रवीण भाई जानते हैं अच्छी तरह। हाँ क्या करोगे अभी तो मैं रेलगाड़ी चल। हाँ राग पहाड़ी सुनेंगे फिर पहलवान जाएंगे वर्दी पहन के आएंगे। पकड़ी पकड़ी देखिए, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, हृदय से हृदय मिला। जय 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 पहलवान, जय जय जय। अरे पहलवान जय 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 जय, प्यारे पहलवान है सारे बापू के। 50 है, हाँ हाँ 50 आए पहलवान, 50 और क्या। ए राकेश पहलवान जरा अनुभव सुन। सत्संग की तो आते थे, अब पहलवान भी आने लगे हैं। बापू के साथ सत्संगी तो आते थे, अब पहलवान भी आने लगे हैं। बापू के पास सत्संगी आते थे, अब तो पहलवान भी आने लगे। और पहलवान तो बहुत बहुत सालों से आते। राकेश पहलवान जरा अनुभव बता दो तो गया साहब आए 2 मिनट पहले, बाद में बता देना फिर छोटा। हाँ मैं राकेश सिंह पहलवान गोरखपुर से, और पूज्य बापू जी के से दीक्षा लेने के बाद मैं रामेश्वरम गया, और रामेश्वरम में मैं गया था शंकर जी के दर्शन करने, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति थी कि मैं भटक रहा था, और बापू से दीक्षा लेने के बाद मैं वहां गया था, और वहां पर हमने देखा अपने इन्हीं आंखों से कि रामेश्वरम में शिवलिंग ऐसे हट गया, वहां पर साक्षात हमारे बापूजी विराजमान थे। अली बापू, और इतना ही नहीं, साक्षात शिव ने जैसे यह कह दिया, संदेश दे दिया कि साक्षात शिव अगर को तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान हैं और साक्षात शिव को छोड़ करके पत्थर में भगवान खोज रहे हो, यह सब तब तक था जब तक तुमको साक्षात शिव नहीं मिल गए हैं। तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान साक्षात शिव हैं। आए थे तो ऑटो के पैसे नहीं थे, ये बताओ जरा। 96 में हमारे साथ के हमारे वरिष्ठ पहलवान, 96 से पहलवान आते, 96 ये
बापू जी का गोरखपुर आगमन हुआ था, बापू के चरण रज पड़े थे और हमारे पहलवान लोग जानते हैं, हमारे साथ रेलवे में सारे हैं, सारे थे। कुछ समय हमारी स्थिति ऐसी आ गई थी कि मेरे पास रिक्शे का किराया नहीं था कि मैं गोरखपुर में बापू के दर्शन करने जाऊं, और बापू से दीक्षा लेने के बाद जिस राकेश सिंह पहलवान के पास ऑटो का पैसा नहीं था, बापू के आशीर्वाद से ऑटो एजेंसी का मालिक बना दिया बापू ने। और भी धंधे हैं, पूरा एक भागवत हो कहना पड़ जाएगा अगर मैं अपना अनुभव सुनाने लगूं। भागवत कथा लिख लो इनके अनुभवों की। हमारी श्रीमती जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे चित्र बापू का, एक बुढ़िया माई हमको जब गोरखपुर में आए थे बापू, तो एक 20 पैसे का स्टिकर बांट रही थी, हाथ में मोटरी गठिया कमर में दबाई हुई थी और घूम घूम के लोगों को स्टिकर दे रही थी। तो हमें एक स्टिकर उस माँ ने भी दिया था और उस स्टिकर को मैं ले आकर के उस समय एक अपना जिम बनवा रहा था, क्योंकि नौकरी वोकरी मैं छोड़ चुका था और उस जिम में मेरा कोई काम नहीं चल रहा था। अब देखो पहलवान प्यार से प्रसाद, अरे का करी थो पहलवान, लूट रहे हैं प्रभु, लूट रहे हैं हम लोग, आप तो लुटा रहे हैं तो कुछ लोग लूट भी रहे हैं। लूट भी था, खाई खाई मजा आई था। हाँ। गुरु जी की इच्छा है, हमारे सदगुरुदेव भगवान की, इस नाते मैं ये बता दे रहा हूँ। हाँ। ये विज्ञान को चुनौती है ये कि हमारे घर में कैलेंडर बापू का टंगा हुआ था, मेरा पूरा परिवार दीक्षित है, हमारे बच्चे, हमारे श्रीमती सब लोग आई हुई हैं, हमारे बापू के कैलेंडर से एक आंख से खून बहने लगा, खून चूने लगा ऐसे बापू के कैलेंडर से। मैं और मेरे लड़के जो हम लोग जानते हैं, हम लोग सिहर गए कि हमारे घर में कौन सी ऐसी विपदा आ रही है कि बापू के आंख से साक्षात खून चू रहा है। और हमारी श्रीमती जी को ऐसा फालिज का अटैक हुआ कि डॉक्टर घबरा गए, डॉक्टर ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा घटना आपके परिवार में होने वाला था, ये ब्रेन हेमरेज होता, लेकिन लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति ने इनको बचा लिया है। वह आधा दृश्य हम लोगों ने देखा तो एक आंख से बापू के आंख से खून देखा हम लोगों ने, बापू ने वह चीज भी अपने ऊपर ले ली थी। और हमारी श्रीमती जी जो जल्दी नहीं ठीक हो सकती थी, 2-3 दिन के अंदर अभी आप चाहिए बापू खड़ा कर देंगे, कोई कह नहीं सकता कि उसको कभी फालिज का अटैक हुआ। और ये पहले घर में पहलवान को होता था कि इसको उठा के फेंक दूं, लेकिन क्या करूं, यही बापू जी। और वो चाहती थी कि राकेश को ठीक कर दूं, लेकिन राकेश ही पहलवान। पहले हमारे परिवार की कुछ ऐसी स्थिति थी मेरे मकान में कि मैं गेट के बाहर रहता था तो बहुत ठीक ठाक था, और घर के का गेट जब मैं खोलता था तो मुझे आंच लगता था, अंदर से लगता था कोई आंच जल रहा है आग का और हमें जला देगा। मैं 50% टेंशन में आ जाता था, घर के अंदर जब पहुंचता था ऊपर अपने कमरे में तो 75% टेंशन में आ जाता था, और मैं दीक्षा ले चुका था और ऊपर जब छत पर पहुंचता था अपने कमरे में और मेरी श्रीमती जी सामने आती थी, हे मेरे सदगुरुदेव भगवान, मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं आपकी आज्ञा से, कि मैं 100% टेंशन में आ जाता था। यही इच्छा होती थी कि श्रीमती जी कोई अच्छी बात भी कहती थी कि मैं इनको उठा के नीचे फेंक दूं यहां से, वो मर जाए। और फिर उसको उनके अंदर भी ऐसा ही होता था कि मैं कोई अच्छी बात कहता था तो उस पर इतना टेंशन होता था कि जो उनका चले तो कुछ भी कर दें, लेकिन पहलवान पर चले नहीं उस बिचारी पहलवानी का। और उसके बाद चूंकि मैं दीक्षा ले लिया था तो मैं तो प्रसन्न रहता था उनकी बात को सुन करके भी, क्योंकि मैं 75% ठीक हो गया था, केवल 25% वीक था। तो यही जो पिछला कुंभ था, यही स्थान है अपने बापू के चरणों में। गोरखपुर में एक भाई आते थे, तब अभी हमारा ये आश्रम वहां पर नहीं था सत्संग का, एक प्रहलाद भाई करके गाड़ी लेकर के आते थे, सत्संग के साहित्य बांट बेचते थे, तो उन्होंने उनके पास हम जाते थे, बैठते थे, अच्छा लगता था। उन्होंने कहा कि आप अपनी श्रीमती जी के साथ फिर से दीक्षा ले लीजिए। मैं कहा कि नहीं, मैं उन्हीं को दिला देता हूं। तो कहे नहीं, दोनों लीजिएगा तो ये दोबारा एक साथ पति पत्नी को लेना चाहिए और आपका वो मंत्र फिर से पुष्ट होगा। और दोनों मिलकर के इसी कुंभ, पिछले कुंभ में यहीं पर हम लोगों ने बापू से दीक्षा ली और उसके बाद वह 25% भी ठीक हो गया और 100% आपके सामने बापू के श्री चरणों में है। श्रीमती जी कहीं हो तो ये अनुभव बोलेंगे तो 6 महीने सुनाते रहे, इतने अनुभव है, भागवत कथा हो जाएगी। शादी थी, गेहूं बेहूं धो के सुखा दिया, कमरा बंद कर दिया, वेतन जी गोरखपुर, बापू को घर बैठे ही पटा रहे थे कि बापू जी ये कंकोत्री लो। ये मानव स्वभाव है प्रभु, हम लोग बहुत लालची और स्वार्थी होते हैं, ये मानव स्वभाव है। हमारे घर में फिर क्या हुआ, बापू जी गोरखपुर जब पधारे थे अभी पिछली बार 2009 में, तो मेरे लड़के को, छोटे लड़के को, वो भी संभवतः यहीं पर कही है,
कहां है बिक्की? इधर आ जाओ, इधर बापू। ये छोटा लड़का आपका, ये इसको कमर में ऐसी समस्या थी। कहां आ गया ये? मार, जंप मार, इधर जाओ, हाथ ऊपर का ये। हाँ ठीक है, पहलवान का बच्चा। कमर में इसके ऐसी समस्या थी कि पीछे से ये दोनों पैर सुन्न होने लगे। लखनऊ सारे इलाज करके हम लोग थक गए, और उसके बाद से ये हुआ कि लखनऊ में ऑपरेशन का डेट तय हुआ। के हॉस्पिटल नाम बता रहा हूं कि अगर कोई जानकारी करना हो तो कर लेंगे। वहां पर बहुत ही अच्छे सर्जन हैं, उनके डेट तय हो गया कि अब ये वो किया जाएगा। इसका ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने बापू से केवल इतना कहा था गोरखपुर आगमन पर कि बापू ये बच्चा है, इसके कमर में ऐसी ऐसी समस्या, बापू ने इसे चलते कहा चल ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। तो ऑपरेशन के डेट के मात्र कुछ दिन पहले हमें बापू ने प्रेरणा दी कि इसको ले जाके फला व्यक्ति को दिखा दो। वो व्यक्ति कोई डॉक्टर नहीं, कोई ऐसा वो नहीं, लेकिन बापू ने प्रेरणा दी कि इसको ले जाके दिखा दो। हमने बच्चों से बात की तो चूंकि पूरा परिवार बापू को मानता है, बापू के श्री चरणों में है, सभी दीक्षित हैं, तो हमने बापू इन बच्चों को बताया तो सभी ने कहा कि नहीं, जब बापू की इच्छा है तो आप चलिए हम लोग दिखा देते हैं, नहीं तो ऑपरेशन विकल्प ही है। और वहां पर ले गए और उस व्यक्ति ने एक हल्का सा व्यायाम केवल बता दिया, ये मेरा लड़का आपके सामने है। जंप मार, पहलवान के बच्चे, पहलवान है, ठीक हो गया। और फिर इसकी शादी तय हुई। हाँ। फिर इसकी शादी तय हुई तो होता है ये ना, जब सब कुछ ठीक होता है तो हम लोग फिर फोटो और मूर्ति से काम चलाने लगते हैं, चित्र के रख करके। और मेरे अंदर का भी पाप यही किया कि मुझे चाहिए था कि बापू के आशीर्वाद से लड़का ठीक हुआ तो शादी के पहले पहले बापू के सामने उनके चरणों में हाजी लगानी चाहिए थी। लेकिन बापू ने मेरे पर डंडा दिखाया और उसके बाद तो हमने भी यही किया, चूंकि समय कम था, जल्दी जल्दी बापू प्रेरणा से ही तय हुई शादी। और वहां पर बापू के चित्र के सामने निमंत्रण पत्र रख दिया है, बापू आपके कृपा से ये सब हो रहा है और ये निमंत्रण आपके चरण में रख दे रहे हैं, आगे की जिम्मेदारी आपकी। बैठे बैठे हमको पटाई था बचवा का कर तो पहलवान अपोका दिखाए बापू। और उसके बाद मात्र तीन दिन रह गया हमारे गांव से एक अनाज आया था, गेहूं, जैसे शादी ब्याह में हर घर में होता है, तैयारी होती है, सभी लोग धोते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर वो करते हैं, पिसवाते हैं। तो दिन भर गेहूं सुखाया गया, रात में उसको ढक दिया गया उससे, और फिर ये हुआ कि सवेरे पीसने के लिए जाएगा। और मैं नियम पर बैठा हुआ था बापू के उसमें, और उसी समय मेरी श्रीमती जी आई पीछे और भावी होर होकर के रोने लगी। और कहीं तो मैं घबरा गया कि मैं पूजा बैठा हूं, कौन सी ऐसी बात है कि पूजा स्थल पर आके रो रही है। तो मैं पूछा बात क्या है, तो इन्होंने कहा कि आप बड़े स्वार्थी आदमी हैं, ये बिक्की ठीक हो गया, आपको हाजिरी लगानी चाहिए थी वहां जाकर के शादी के पहले, और आप गए नहीं, और देखिए आपके शिव का बुलावा आ गया है। हम ये जब ये गेहूं हटा रहे हैं, कपड़ा वहां सटाया गया तो उसके ऊपर एक त्रिशूल खड़ा हुआ मिला, एक त्रिशूल, चित्र नहीं, साक्षात त्रिशूल। वह त्रिशूल मेरे घर में अभी भी रखा हुआ है। और ये कहा हमारे धर्मपति ने कि जाइए, आपके शिव का बुलावा आ गया है, और तुरंत जाके पहले हाजी लगाइए। मैं भाग करके, मैं कहता हूं ना कि बापू डंडा मार के बुला लेते हैं जब चाहते हैं। ये देख लो पहलवान कैसन हो। और उसके बाद में इनका तो भागवत चलेगा बाबा, अब मैं थोड़ी रेलगाड़ी चलाऊंगा। हरिओम, देखो ये रेलवे भक्ति धाम है, आपको अच्छा लग रहा है ना? सुगंध आई तो हाथ ऊपर करो, वहां तक सुगंध अभी फिर से करूंगा। आई सुगंध, तुलसी वाली गोलियां भी आएगी, लेकिन राग पहाड़ी गाएंगे सुरेश भैया, जिससे मोबाइल फोन की हानियों को टक्कर मारने वाली जीवनी शक्ति पैदा होती है, और तुम्हारे हाथों में आएगी तुलसी की ये प्रसादी। जोगी रे सुरेश भैया। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां है पाई, शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां है पाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो लगन लगाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो लगन लगाई। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार।
जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोताज, जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोताज, बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता, बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता, जो भी के प्रेम के सुख छोटा, योगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, बहुत खा पी लो, डेढ़ घंटा बैठना पड़ेगा, फिर मुंह मीठा करो, लगेगा लगेगा, बैठो लगेगा। सांसों की माला से जोगी सुमिरे नाम तुम्हारा, सुमिरन से ही मिट जाता है दुख संताप हमारा, सुमिरन से ही मिट जाता है दुख संताप हमारा, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, तुम मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तो सबकी बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तो सबकी बनाए मेरे जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है दुर्बल।
कुटलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते वीर क्या जादू है तुम्हें प्यार में जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में पहलवानों को ललकार रहे हमारे ऐसे राजीव तोमर है चार दिन से हम ललकार रहे राजीव तोमर के नाम से 51 देश हैं एशिया खंड में कोई पहलवान आजमाना चाहता है जोर तो हमारे राजीव तोमर के साथ आ जाए 51 देश के लोगों को ललकार रहा हूँ तोमर राजीव तोमर है ना पिछले कई दिनों से मैं बोलता आया हूँ जरा वो जंप मार के तो दिखा जरा कुश्ती का अच्छा लगता ये बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे 167 देशों में 167 देशों में लोग देखेंगे कुश्ती सजीव प्रोग्राम प्रसारित होगा और फिर ये कैसेट बनेगी वो तो दिखती रहेगी लोगों को और जब मैं राजीव तोमर कहूँ तो तुम हाथ खड़े करना लोग पहचाने फिर ये पगड़ी वाले का नाम इनका नाम बोलना अपना अपना परिचय देंगे और आप तैयार हो जाओ वर्दी बदलो हैं जरा जब भी थकान लगे पहलवानों को तो क्या करना मैं 75 साल की उम्र में थकता नहीं जब भी थकान जैसा लगे तो मैं क्या करता हूँ पता है लेट जाता हूँ शरीर को खींचता हूँ और ढीला छोड़ता हूँ थकान की ऐसी तैसी फिर से नया और पहलवान इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है क्या नाम है महासिंह राव गुरु हनुमान अखाड़े के कोच हैं लो मीठा मुंह करो देख लो ये एसीआई रजत पदक विजेता और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रामाश्रय यादव यह देख लो इनको तो देखने से पता चल जाता भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं भारतीय पद्धति के क्या नाम राम आश्रय यादव जरा यूं करते हैं पन्नालाल ये 8 बार के राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है 8 बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीते हैं कई देशों में विदेश में कई देशों में भारत का झंडा फरका क्या है और यश भारती से सम्मानित है यश भारती से सम्मानित है और बापू के दुलारे हो रहे हैं ये भी यश भारती से सम्मानित है अर्जुन अवार्ड यश भारती से सम्मानित है ऐसे ऐसे पहलवान घर बैठे मिल रहे हैं आप समझ लेना यश भारती से सम्मानित है जरा अंतरराष्ट्रीय कोच जरा आए लो मीठा मुंह करो आ जा प्रसाद ले बेटा वेलिंगटाइन बे मना के तो छोरे छोरी तबाह हो रहे लेकिन पहलवानी करके वो पीड़िता के साथ जो 6 थे लोफर उसमें एक पहलवान बैठा होता तो 6 को मार भगा था कुछ नहीं हो सकता था हाँ नेवी से है लाल बच्चन यादव और इंटरनेशनल कोच है इंटरनेशनल कोच नेवी से है यादव जी लो ये तो सामान्य वर्दी में देखते जब लंगोट चढ़ा के खेलते तब देखा जाए रविंद्र मिश्रा है उत्तर प्रदेश के रविंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के पहलवानों में प्रसिद्ध जय जय लेकिन संतों के आगे तो भगवान राम भी झुकते थे और पहलवान भी झुकते और हनुमान जी भी जो दीक्षित पहलवान है वो सेवा में व्यवस्था में लगे हैं हनुमान पांडे अजय और भी 50 पहलवान आ गए हैं पहलवान तैयार हो जाओ बेटे हम आ रहे हैं कुश्ती देखेंगे हम रेलगाड़ी तुम्हारे नजीक लाऊंगा और वहां पीछे वाले उस सेटेलाइट से देखेंगे आगे वाले पीछे मुड़ जाएंगे पीछे वाले ऐसे ही बैठेंगे 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद
पहलवानों की कुश्ती होगी, तब तक अपने घरों में जो भी खाना पीना चुगना है चुग लो, फिर हमारे पहलवान अपना करिश्मा दिखाएंगे तो टीवी से उठना तुम्हारी ताकत नहीं है, हैं? ऐसे हमारे पहलवान निष्काम कर्म योगी, जरा सा बापू का संकेत सुन के दौड़े दौड़े हैं। पवन जी, प्रवीण जी, 15-20, 15-10, 15 मिनट सब 167 देश वाले सुन लो, नाश्ता वास्ता करना है जरा, जलपान चुगना है तो चुग लो।